डोनट तो आपने बहुत खाए होंगे और कई तरीके के खाए होंगे, लेकिन वो चॉकलेट वाले खाए होंगे और मीठे मीठे। आज मैं बनाऊंगी नमकीन डोनट और मजेदार से चीजी डोनट। और जब तक मैं ये डोनट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और मैं ये तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया डोनट बन रहा है। ये देखो चीज से भरा हुआ डोनट बन के तैयार होगा। तो ये मजेदार सा डोनट सीखने के लिए चलिए मेरी किचन में और हम ये मजेदार सा डोनट बनाते हैं। नमकीन डोनट बनाने के लिए मैंने ये 3 से 4 आलू को उबाल करके और अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप रात में भी आलू उबाल के फ्रिज में रख सकते हो। और इसको ग्रेट करना है, बारीक बारीक ग्रेट करना है, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा बाइंडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से। इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे, क्योंकि हमको बाइंडिंग इसकी अच्छी सी देनी है और बहुत ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है। इसलिए अच्छी तरीके से हाथों से मिलाते हुए एक डोसा तैयार करेंगे। ये हमने अच्छा सा एक डो बना के तैयार कर लिया। आप ये देखो, ये अच्छी तरीके से बाइंड भी हो जाएगा। अब इसको रखते हैं साइड में और बनाते हैं स्लरी। स्लरी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया हुआ, ये आधी कटोरी के हिसाब में मैदा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगैनो और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। बस इसमें इतनी ही चीज़ें जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी स्लरी बनाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा ना बहुत पतला बनेगा। ऐसा बनाएंगे कि जिससे हमारे रिंग्स हैं वो कवर हो जाए अच्छी तरीके से। और इसको मिला लेंगे। ये हमने ऐसी पतली सी स्लरी बना के तैयार की है, ना ये बहुत पतली है ना ये बहुत गाढ़ी है। ये हमारी स्लरी भी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको भी रखते हैं साइड में और बनाते हैं डोनट। डोनट बनाने के लिए हाथों को चिकना कर लेंगे और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, एक चीज वाला एक बिना चीज वाला, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और इसको अच्छी तरीके से एक गोल सा शेप देंगे। ये हमने टिक्की की तरह बना लिया है। अगर आपको लगता है कि शेप बिल्कुल गोल नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एक चिकनी सी कटोरी रख लीजिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल सर्कल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको रखा, प्रेस किया, बस चिकना कर लीजिएगा कटोरी को भी और ये हमारे नमकीन डोनट बनके तैयार हो जाएंगे। डोनट का बिल्कुल शेप देने के लिए ये मैंने छोटा सा ढक्कन ले रखा है। अगर आपके पास कटर हो तो आप यूज कर लीजिएगा। इसको बीच में रखेंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, ये निकल जाएगा आराम से। ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मज़ेदार सा डोनट का शेप तैयार हो गया ना। ये मैं आपको चीजी डोनट बना के दिखाऊंगी, अभी आपको प्लेन भी दिखाऊंगी। ये मैंने कट कर लिया। अब लेंगे चीज़, कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये मैंने ग्रेटेड ले रखी है, मोजरेला चीज़ है ग्रेटेड। इसको एक किनारे अच्छी तरीके से लगाएंगे, आपको जितनी चीज़ चाहिए उतनी लगाइए। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो उसको भी लगा सकते हो। चीज़ लगा लिए, जो दूसरा है इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्रेस करके और ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया सा शेप देने के लिए प्लेट में या किसी चीज़ पे या हाथों से भी हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे चीज़ भी अंदर हो जाए, नहीं तो हम फ्राई करेंगे तो चीज़ निकलने लगेगी। अब आती है फ्राई करने की बारी। ये स्लरी है, बहुत ना गाढ़ी है ना बहुत पतली है, हल्का सा स्लरी में कोट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस घुमाते हुए हाथों से कोट करके तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा जो इसका बैटर होगा वो हम निकाल देंगे। ब्रेड क्रम्स इसको बहुत आराम से करेंगे, हल्का हल्का हाथों से डस्ट करते हुए लगाएंगे, क्योंकि हम शेप अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगी इसकी। ये देखिए, इसमें बैटर लगा लिया। अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत फ्राई करिए, नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हो। तो इसकी सेफ है, अगर फ्रिज में रखोगे तो सेफ बहुत अच्छी आ जाएगी और फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये मैंने तेल पहले से गर्म करके रखा है और गैस को रखेंगे लो टू मीडियम पे और धीरे रखना दोनों साइड। ऊपर हल्का हल्का तेल डालते जाएंगे क्योंकि ऊपर से भी हमारा पकता जाएगा। अब 2 मिनट के बाद इसको हम पलटेंगे, अभी 2 मिनट तक इसको छुएंगे नहीं बिल्कुल। अब हम इसको पलट देते हैं। ये अच्छी तरीके से नीचे से सरक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना तो कि इसकी बाइंडिंग ही सही है और सब कुछ परफेक्ट है। आराम से इसको पलटते हैं और देखते हैं। अगर आपको लगता है कि शेप थोड़ी सी वैसी हो रही है तो किसी भी चाकू की सहायता से आप हल्का हल्का ऐसे कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा बैटर होगा यहाँ से निकल जाएगा।
और ये हमारा डोनट का शेप बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया और हम अपने डोनट को निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको निकाल देंगे, इसको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसको देखिए कितना बढ़िया मजेदार सा डोनट बनके। एक मैंने आपको चीज वाला बताया, एक बिना चीज के बताती हूँ। इसके लिए मोटी सी टिक्की बनाएंगे सेम उसी चीज से, इसमें दो टिक्की नहीं जाएगी, एक जाएगी, वैसे ही पीस से कट कर देंगे। ये हमने इसको काट लिया पीस से और हल्का सा प्रेस कर देंगे यहाँ पे, और सेम वही प्रोसेस पहले स्लरी में फिर ब्रेड क्रम्स में। पहले स्लरी में हल्का सा डुबाया, फिर हल्का सा ब्रेड क्रम्स में, और फिर वैसे ही फ्राई हो जाएगा। ये भी मज़ेदार लगता है खाने में। दो मिनट के लिए छोड़ेंगे, दो मिनट बाद पलट देंगे इसको। इसको भी हम उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर देके फ्राई कर लेंगे। ये मेरा मज़ेदार सा चीजी डोनट और प्लेन डोनट और नमकीन डोनट, सबसे बड़ी बात है नमकीन डोनट, बनके तैयार हो गया। अगर ये डोनट की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।